चल। रुक, क्या कर रहे बे? अकल के दीनानाथ, गुस्सा तो ऐसे चला जा रहा है जैसे दिवाली की शुभकामनाएं देने जा रहा हूँ। अबे मैया बैठी होगी अंदर। ये जीजे किधर है? तुम मुझे वहां ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा इंतजार यहाँ कर रहा हूँ। अब ईका नहीं है भैया, लगता है फिर से अपने घिसे पिटे नाटक की तैयारी में लगे हैं। अब चिलगोजे, आज हम नाटक की तैयारी ना कर रहे हैं, खाना अंदर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। आज ये कुली जमाने का बोझ नहीं उठाएगा, खाने का बोझ उठाएगा। क्या ये खतरों का जीजा? अरे माँ, देख के प्लीज मुझे एक पे एक साड़ी फ्री दे दीजिए ना, प्लीज प्लीज। डिजोले मेल डार्क। अच्छा अच्छा, दे रहे हैं, चलिए चलिए बहन जी। आई आई परी, एक मिनट। बहन जी माफ कीजिएगा, लेकिन अभी तो दुकान बंद हो गई है। मुझे एक पे एक साड़ी फ्री चाहिए, प्लीज कुछ कीजिए। बहन जी आप चिंता मत कीजिए। हाँ, आप एक काम कीजिए, आप ये बैनर रख लीजिए, इस पे भी एक पे एक साड़ी फ्री है, आप यही पहन लीजिएगा। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, देखिए देखिए। बारी जाने दीजिए, ये बड़ी मजाक है ये तो। देखिए बहन जी, अभी 9 बज गए, हमें घर जाना है। और बहन जी, दीदी के हाथों से आपकी किसी न किसी सहेली ने एक पे एक मुफ्त साड़ी जरूर ली होगी, तो आप उनकी मुफ्त वाली साड़ी ले लीजिएगा। नहीं नहीं, अब ये अगर आपने पहनी है तो ये अरे ये क्या तुम हाथ में लेकर घूम रहे हो? देखो, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हमने ऐसे एक पे एक फ्री करके 55 साड़ियाँ बेची है ना। तो क्या हम झूठ बोलेंगे? मन में पूछ रहे हैं दीदी। नहीं, सिर्फ सच छुपाएंगे। याद है मैंने क्या कहा था? प्यार और जंग में सब जायज है। अरे 9 बज गए हैं, यानी मुकाबले का वक्त खत्म हो चुका है। घर जाकर देखते हैं कि मर्दों ने क्या गुल खिलाए हैं। चलो चलो निकलते हैं। प्रतिभा बहन, ये बैनर तो फेंक दीजिए। नहीं नहीं, यहाँ रास्ते में नहीं, किसी कचरे के डब्बे में फेंक देंगे। गुड, चलो चलो। अच्छा, अरे जूता खोल। जीजे ध्यान से, खाना खराब नहीं होना चाहिए। हाँ, मैंने एकदम सही सलामत रखा हुआ है। सीने पर राजमा चावल रखे हैं, दाहिने हाथ में रोटियां, बाएं हाथ में शाही पनीर, पीठ पे पकौड़ा बांधे हैं, और वो जो रबड़ी जलेबी था ना, वो हमारे पेट में है। अरे यार खा गए, गरम लग रहा है यार, चल। अरे सरला, तू भी गजब है, गाजर का हलवा भी भला कोई अलमारी में छुपा के रखता है? हलवा ना हुआ जैसे सोने की चेन हो गई। रुको, कहा है माँ जी? है तुम नहीं तुम? हाँ भैया। अरे लल्ला तू नहीं, सामाजिक तुम। ये क्या हुलिया बना रखा है? माँ जी वो कहा है ना। अरे तू काहे उछल रहा है, तुझसे पूछा है? अब तुमसे पूछा है का? सासू माँ, नाटक में कुली का किरदार कर रहे हैं ना। इतना मोटा? खुद का बोझ उठाने के भी पैसे मिलते हैं का? सासू माँ हम जाएं? हाँ जाओ। सुनो, कल 500 रुपए दिए थे ना घर का सामान लाने के लिए, कुछ बचे हैं या खाली जलेबी? कुछ बचे हैं और कुछ खाली है। जो बचे हैं वो दे दो, महीने के हिसाब में लिख दूंगी। देख कर रहे हो,
दो। माँ जी इतना मोटा आदमी हाथ कहाँ उठा पाएगा। हाँ हाँ हम निकाल के देते हैं। अरे इधर पापड़ है। ओ मैया इधर मैया। अबे चप्पल गंजू साहिब पनीर है इधर। तो जीजा आप ही बता दो कहाँ रखे हो पैसे, नहीं तो दाल वड़ा हाथ में आ जाएगा। अरे बाबू हम भी तो कभी कभी रख के भूल जाते हैं। है? लगता है हमारा ही चपत करवाओगे। गरम लग रहा है रे। माँ जी ये 20 रुपए ही बचे हैं। 20 रुपए। इन महानुभाव से तो यही उम्मीद थी, 500 में से 20 बच गए यही बहुत है, वरना तो कुल्फी खाने में इन्हें देर नहीं लगती। सासू माँ ऐसा इल्जाम मत लगाओ, 20 रुपए की कुल्फी खानी होती तो हम कब का खा लेते यार। अरे 40 का हम पहले ही खा चुके थे। अपना भी कोई इज्जत है। ठीक है ठीक है चलो 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 चलो। अरे ऐसा कैसे, चलो चलो। नहीं नहीं कुली दुनिया भर की बोझ उठाता है, ऊपर से सासू माँ के ताने भी। जी जब फिलहाल जो खाने बोझ उठाए ना उसका सोचो, ज्यादा से ही ना मारो यार। सासू माँ एक दिन हमारे पास गाड़ी होगी, बंगला भी होगा। मैं तो कहती हूँ किसी बंगले में जाके गाड़ी धोने का काम पकड़ लो, हम धन्य हो जाएंगे। धन्य तो आप उसी दिन हो गए थे जिस दिन हम इस घर में दामाद बन के आए थे। अरे ये आवाज कैसी है? ये आवाज कैसी, ये आवाज कैसी, आवाज कहाँ से आई? अब कैसी आवाज में क्या? चिपकली, चिपकली भैया वो देख। कहाँ है चिपकली? ओरी 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 गई गई। सब्जी गरम है बे। जा रही है वो गई। अब हम जाएं क्या? वो चली गई भैया, चली गई। इनको जाने के लिए बोलना भैया। हाँ हाँ जाओ, जाके खाने की तैयारी करो। बहुएं आती ही होंगी दुकान से, 8 बजने वाले। महानुभाव खाने की तैयारी तो कर ली है ना? लल्ला बहुओं के सामने मैया की नाक मत कटा दियो। नहीं भैया। महिला एकता, इलाहाबाद, इलाहाबाद। परी इलाहाबाद नहीं, जिंदाबाद। ओ अच्छा अच्छा। महिला एकता जिंदाबाद, महिला एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे महिला मोर्चा इतना गला काहे फाड़ रही हो? मैया हमने आपके आशीर्वाद स्वरूपी महिला प्रबलता का प्रमाणित किला आरोहण विजय पताका विद्यमान कर दिया है। जमाने इनको। एक मिनट। किला आरोहण विजय पताका यानी कि झंडा, हमने झंडे गाड़ दिए हैं। कह रही है दीदी क्या हुआ, इन्होंने तो कर दिया है काम। हाँ सासू माँ, मर्द बनाम औरतों के मुकाबले के तहत हम औरतों ने अपना काम पूरा कर दिखाया है। का मतलब? मतलब माँ जी नूज आवो वेंडू सैंक्टू रिडी यू। अरे हम कह रहे हैं इनको नहीं जमाए। एक मिनट माँ जी, वो जो एक दिन में 50 साड़ियाँ हमें बेच के दिखानी थी ना, वो 50 साड़ियाँ हमने बेच दी है। क्या एक दिन में 50 साड़ी बेच दी? दुकान में करते क्या हो तुम? दुकान में करते खाओ। तुम क्यों आते हो? तुम क्यों आते हो? समय कहाँ बिताएंगे? पर सुबह से शाम में 50 साड़ियाँ बेचती। वैसे सही पूछो तो 55। कन्हैया जी औरतें मर्दों से किसी भी काम में कम नहीं होती, क्योंकि दीदी ने साबित कर दिया है होली मात्र हमने नहीं वस्तुतः हम समस्त कुलवधुओं ने। इलाहाबाद, इलाहाबाद। अत्यंत भोली। भोली मैं नहीं, भोली तुम हो। मतलब हम सबने साबित कर दिया है। कह रही हैं दीदी। वैसे कन्हैया जी आप एक दिन में 25 साड़ी बेचते हो ना? हमने 50 साड़ी बेच दी। वैसे सोच के देखो,
मर्दों जैसा तो नहीं, उनसे कई बेहतर काम कर दिखाया हमने। साले साहब, बहू ने तो सच में कमाल कर दिया गुरु। भैया, इन्होंने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाँ यार, आज ना कोई तीज ना कोई त्योहार, फिर भी 50 साड़ियां बेचती। सब हमारी मेहनत और दिमाग का कमाल है, और बीबी के आशीर्वाद का, और बैनर पे लिखे एक के साथ एक फ्री का। टेंशन फ्री, बैनर पे लिखे टेंशन फ्री रहेंगे सभी, साड़ियां लेंगे अभी तो वो बैनर पे लिखे। तो बोल लो, महिला एकता गाजियाबाद, गाजियाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छा चलो भाई, हमारा तो हमने बता दिया, अब आप लोगों के बारे में कुछ बताओ। लो अभी बता देते हैं, हम खतरू, ये हमारे भैया, अरे जीजा। अपने नाम नहीं, अपने काम के बारे में बताइए। जीजे तो बेरोजगार बैठे हुए हैं, है ना? अपने घर के काम के बारे में पूछ रहे हैं। किया? किया? हाँ, हाँ किया ना? किया ना? हाँ किया है ना? हाँ हाँ ओके, किया है। झाड़ू? किया? 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 पोछा? 3 बार, 2 बार ठीक से हो नहीं पाया था। एवं अंगलज्जा वस्त्र? ये कौन सा काम हुआ? नहीं ये तो कपड़े धोए, पूछ रही हैं दीदी। धोए? 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 हाँ धोए। और जले? जले नहीं भाभी, थोड़ा रंग लग गए थे। जले नहीं, जाले। हाँ, हो तो कुसुम का दुपट्टा से रगड़ रगड़ के झाड़ रहे हैं। और सेल्फी? हाँ, हमने सेल्फी ली है। ये देखिए। अच्छा है, अच्छा है। ये भी ले लिया, मुझसे भी अच्छा है। सोच के देखो, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। सोच के देखो, घर कामों में सबसे जरूरी काम फेस पैक। फेस पैक लगाया? लगाया पर असर नहीं किया। और खाना? खाया ना, दोपहर को सोया भी उसके बाद। कन्हैया जी, दीदी पूछ रही है रात का खाना तैयार किया? खद्रू, बता दे। अभी खाना ऐसा लाजवाब बना है, ऐसा बना है, चखोगी तो बोलोगी ऐसा बना है। उंगलियां चाटते ना रह जाओ तो नाम बदल देना। किसका? मेरा? नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, भोली की दीदी का। शिव शंभू। अच्छा अच्छा अच्छा, तो एक काम करते हैं, मम्मी जी का ही नाम बदल देते हैं, कुंती मम्मी की जगह सुंदी मम्मी जी। जैसे भी तो वो सारा दिन हमारा सुनती रहती है ना। कुसुम का नाम बदल के काठमांडू रख देते हैं। काहे? अरे वहीं छोड़ के आएंगे ना। ठीक ठीक। आप लोग इतनी मेहनत करके लौटे हैं, 50 साड़ियां जो बेची आपने, तो हाथ मुंह धो लीजिए, हम भी अपने हाथों से हमारे हाथों द्वारा बनाया खाना लगाते हैं। देखते हैं। महिला एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। महिला एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। महिला एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। चलो मैया, तू क्या सोचती है ये मुकाबला कौन जीतेगा, भाभिया या भैया?
जो आप लोगों ने बोला था बिल्कुल वही राजमा चावल, पकौड़ी वाली कड़ी और शाही पनीर की सब्जी तैयार है गर्मा गर्म। तो नोस फरमाइए हजूर आला, खाना खाना शुरू करिए, कह रहे हैं भैया। अरे ये आंखें फाड़ के कहाँ देख रहे हैं, ये सोच रहे कि इन्होंने इतना सारा खाना कैसे बना लिया। अरे ये सब सोचने में समय मत बर्बाद कीजिए, गर्मा गर्म खाने का मजा उठाइए। अरे जरा चखिए तो सही। अरे वाह लल्ला, बहुओं की तरह मर्दों ने भी मोर्चा मार ही लिया। वाह बिल्कुल दीदी के पसंद की महक आ रही है और दिखने में भी बढ़िया है। सासुमा चश्मा ठीक से लगा के खाना, नहीं मतलब ऐसे खुशी में कहीं आंख निकल के शाही पनीर में ना गिर जाए। हे? वैसे सोच कर देखो। सोच के नहीं चख के देखो। स्वाद तो बढ़िया है, यथार्थ प्रतिभा बहन, अति उत्तम, बहुत अच्छा कह रही है दीदी, सच में बहुत अच्छा कह रही हूँ मैं। गुजावे फेट सेला? नहीं वो नूडल्स तो नहीं बनाए। नहीं नहीं मेरा मतलब ये है कि ये सब आपने बनाया है अपने हाथों से। वाह लल्ला, खाना तो तुम लोगों ने बहुत अच्छा बनाया। सच में माँ जी, मैं तो सोच रही हूँ कि कन्हैया जी को रसोई देके मैं दीदी को तिरुपति घुमा लाऊं। बोली तू दामाद जी और खतरु तो एक नंबर के बावर्ची निकले। बहुए दुकान संभालने में अव्वल आई और तुम घर संभालने में, औरतों ने बाहर का काम संभाला और मर्दों ने घर का, मतलब कि मर्द बनाम औरतों के मुकाबले में दोनों बराबर रहे। ए, तू भी ताली बजा। भैया जब इतना सब कुछ बनाए तो रायता भी बना देते। अरे है ना रायता, अरे खतरू जो रायता मंगवाया बनाया था वो लेके आना। भैया रायता शायद जाओ जाके देखो कौन है। अरे भैया कौन, अरे हम देंगे। अरे कहा हुआ? ये रायता, ये ना बाकी ऑर्डर के साथ ना आप रायता भूल गए थे, अब बस वही देने आए, ये लीजिए। भैया पोल खुल गई, हाथ ऊपर करके खड़े हो जाएं क्या? अरे किसी और का ऑर्डर लेके आ गया मैं, कहां तुम गलत ऑर्डर ले आए हो। चलो चलो लेके जाओ इसको, लेके जाओ इसको, अभी घूंचू गलत घर में रायता फैलाने मतलब देने के लिए आ गया, मारू क्यों? अरे साहब जी आपने तो मंगाया था हरीश होटल से खाना। राजमा चावल कड़ी पकोड़ा और शाही पनीर, अब रायता छूट गया तो वही तो देने आए हैं। लल्ला लल्ला माँ जी अनजाने में आ गया था, जा जा जा। माँ जी दीदी ठीक है ना खाना, ये लीजिए रायता। लल्ला तूने मुझसे झूठ बोला। माँ जी हुआ यूं कि भैया आप ही बताओ। चुप, बहुएं जीत गई। इन्होंने बेईमानी करके घर चला और तुमने ईमानदारी से दुकान चलाई, तो
बहुएं जीत गई। लल्ला फोन दो, फोन दे। जगह पे जाके खड़ा हो। हेलो, कौन बोल रहा है? ओहो, एक तो इस फोन में आवाज नहीं आती, इस स्पीकर पे करती हूँ। हेलो, अरे बुद्धि, मैं हूँ रजिंद्री। हाँ, अरे रजिंद्री, नमस्ते, कैसी हो? बोलो, कैसे याद किया आज? अरे कुंती, याद तो तुम्हें आज आधा मेरठ शहर कर रहा होगा। काहे? सुना है तेरे बेटे की दुकान में एक पे एक साड़ी मुफ्त मिल रही है। एक पे एक मुफ्त? अरे हाँ, तुझे नहीं पता? अरे शाम को मेरी बहू खुद 3 साड़ियाँ लेके आई है तेरी दुकान से। अच्छा, मैं तो पूछ रही थी कि क्या कल भी ये ऑफर रहेगा। मैं भी सोच रही हूँ, जब एक पे एक फ्री मिल ही रही है तो 3 साड़ी मैं भी ले लेती हूँ।